नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। यदि आपको हमारे पुराने वीडियो पसंद आ रहे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। तो आज हम बात कर रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। अब बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की, तो तय हो गया कि इस शब्द का मीनिंग क्या है। आर्थ्रो, आर्थ्रो मीन्स होता है जॉइंट, आर्थ्रो मीन्स होता है जॉइंटेड या जॉइंट, और पोडा मीन्स होता है पैर या फूट या लैग। यदि हम बात करें या अपेंडेजेस, तो हम फूट या अपेंडेजेस या लैग, तो फूट जो है उसको कहा जाता है जॉइंटेड अपेंडेजेस या जॉइंटेड फूट जो होते हैं, क्योंकि आर्थ्रो मतलब ही होता है जॉइंट। जहां आर्थ्रो शब्द लगता है, चाहे वो आर्थराइटिस हो, आर्थ्रोल्जिया हो, आर्थ्रेल्जिया हो, मतलब आर्थ्रो मतलब जॉइंट, ठीक है। जहाँ पर ऐसे मैंने कहा एक एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़े, तो उसको बोलते हैं ये दिस इज जॉइंट, ठीक है। तो जॉइंटेड फूट जो होते हैं उसे कहा जाता है आर्थोपोडा। फाइलम आर्थोपोडा में मेन कौन आता है, जिनमें जॉइंटेड फूट पाए जाते हैं। अब हम इसके करेक्टर लिखते हैं। पहली बात तो यदि हम इसके बारे में बताएं तो ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ये सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है, कौन सा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम है। जो 10-11 फाइलम हम पढ़ेंगे उनमें सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। दूसरा आर्थ्रोपोडा का ही, आर्थ्रोपोडा फाइलम की एक क्लास है, क्लास इंसेक्टा, वो सबसे बड़ी क्लास है। यदि कोई कहे कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा, कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, यानी लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। और यदि कहे कोई कि लार्जेस्ट क्लास कौन सी है, सबसे बड़ी किसी फाइलम की यदि कोई क्लास है, तो वो है क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा जो है वो सबसे बड़ी क्लास है फाइलम आर्थ्रोपोडा की, और पूरे एनिमल किंगडम में भी सबसे बड़ी क्लास है। यानी यदि कहा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई एनिमल पृथ्वी पर पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं इंसेक्ट, और इंसेक्ट कहा जाए तो ह्यूमन के या मनुष्य के मित्र भी हैं, शत्रु भी हैं, हमको लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। तो सबसे बड़ा फाइलम फाइलम आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ी क्लास फाइलम ए, सबसे बड़ी क्लास क्लास इंसेक्टा, ठीक है। अब हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो उसके करेक्टर क्या क्या है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के नंबर एक करेक्टर, फाइलम आर्थ्रोपोडा का नंबर एक, जो मैंने अभी एनेलिडा में बताया था आपको कि सेगमेंटेड बॉडी, मैंने कहा था फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम एनेलिडा कि एक सबसे महत्वपूर्ण करेक्टर है कि इनमें जो है वो सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है इनके, इनमें सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, ठीक है। इनका एक मेन करेक्टर है कि इनमें क्या होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। इनका शरीर खंडों में बटा होता है। मैंने पहले कह दिया, जैसे मान लो मैंने कहा ये इंसेक्ट्स बनाया, मैंने मान लो कोई भी इंसेक्ट्स ले लिया, ठीक है, ये इस तरह से इंसेक्ट ले लिया, तो इनमें ऐसे इनकी बॉडी जो है ऐसे कई छोटे छोटे खंडों में बटती है। कहाँ में बटती है, ऐसे छोटे छोटे खंडों में बटी होती है, यानी ये होती है सेगमेंटेड बॉडी। तो इनमें सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, ऐसी एनेलिडा में भी है। तो नंबर एक, इनमें सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। नंबर दूसरी यदि हम बात करें तो इनकी बॉडी में मेनली जो सेगमेंट होते हैं या इनका शरीर जो होता है वो तीन भागों में बटा होता है। इनकी बॉडी डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, इनका शरीर जो है बॉडी डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। तो इनका शरीर जो है वो तीन भागों में बटा होता है। ऐसा जो होता है इसको हेड कहते हैं, दूसरा जो होता है उसको थोरेक्स कहते हैं, और तीसरा जो होता है उसको एब्डोमन कहते हैं, ठीक है। तो हेड, थोरेक्स और एब्डोमन, ये तीन भागों में बटा होता है इनका बॉडी। एक है इसको हेड कहते हैं, दूसरे को थोरेक्स कहते हैं, तीसरे को एब्डोमन कहते हैं। थोरेक्स में भी खंड होते हैं, ठीक है, हेड में भी खंड होते हैं और एब्डोमन में भी खंड होते हैं। कभी कभी हेड और थोरेक्स को मिला करके हम सिफेलोथोरेक्स भी कहते हैं। जब हेड और थोरेक्स जॉइंट हो जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, सिफेलोथोरेक्स, ठीक है। यदि हेड और थोरेक्स मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं सिफेलोथोरेक्स कहा जाता है, ठीक है, हेड और थोरेक्स जॉइंट होकर के। तो सिफेलोथोरेक्स प्लस एब्डोमन, ये क्या है, एब्डोमन,
सेफेलोथोरिक्स प्लस एब्डोमन कहलाता है। ठीक है, तो पहला हो गया कि इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, दूसरा हो गया बॉडी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हेड, थोरेक्स और एब्डोमन, तीसरा क्या होता है हेड और थोरेक्स मिलकर के सेफेलोथोरिक्स बनाते हैं। ठीक है, फिर यदि हम बात करें इसकी, तो इसमें मेन जो करेक्टर होता है इसका एग्जोस्केलेटन जो है, इसका एग्जोस्केलेटन जो है वो काइटिन का बना होता है। यदि हम मेनली इंसेक्ट्स में बात करें तो काइटिनस एग्जोस्केलेटन होता है, काइटिनस एग्जोस्केलेटन होता है। ठीक है, इनका एग्जोस्केलेटन काय का बना होता है, काइटिन का बना होता है, एग्जोस्केलेटन काइटिन का बना होता है। ठीक है, तो ये तीन करेक्टर अपन ने देख लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखें फिर हम चौथा करेक्टर इसका देखते हैं। ठीक है, चौथा करेक्टर अगर ये हम बात करें, ठीक है, तो चौथा करेक्टर की यदि हम बात करें तो इसमें अगर देखा जाए तो एक्सक्रीशन जो है, इसमें एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीशन बाय, अब इसमें एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो तीन अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं, एक्सक्रीशन बाय कॉक्सल ग्लैंड्स, यदि मैं कहूं कॉक्सल ग्लैंड्स, तो कॉक्सल ग्लैंड के द्वारा एक्सक्रीशन होता है एरेक्निडा क्लास में, किसमें एरेक्निडा, ध्यान रखना एरेक्निडा में बिच्छू और स्कॉर्पियन आते हैं, तो एक्सक्रीशन बाय कॉक्सल ग्लैंड, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स, कौन मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स अगर अपन यहां पे लिख लेते हैं तो कॉक्सल ग्लैंड किसमें होती है एरेक्निडा, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स किसमें होती है मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स किसमें होती है बेटा मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स होती है इंसेक्टा। ठीक है, और तीसरी होती है अगर अपन कहें ग्रीन ग्लैंड्स, क्या ग्रीन ग्लैंड्स, तो ग्रीन ग्लैंड्स होती है बेटा क्रस्टेशिया, किसमें होती है क्रस्टेशिया। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें हैं, देखो एक्सक्रीशन तीन अलग अलग क्लास के जंतुओं में अलग अलग द्वारा होता है, एक्सक्रीशन बाय कॉक्सल ग्लैंड, तो कॉक्सल ग्लैंड किसमें पाई जाती है एरेक्निडा में, एक्सक्रीशन बाय मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स किसमें होती है इंसेक्टा में, जैसे मक्खी मच्छर एरेक्निडा में आते हैं, बिच्छू स्कॉर्पियन स्पाइडर बिच्छू और मकड़ी, और एक्सक्रीशन बाय ग्रीन ग्लैंड्स, तो ग्रीन ग्लैंड्स किसमें होती है क्रस्टेशिया, इन ग्रीन ग्लैंड्स का एक और नाम है, ग्रीन ग्लैंड्स को हम एक और नाम देते हैं जिनका नाम है एंटेनरी ग्लैंड्स, क्या है ये एंटीना में पाई जाती है, इसलिए इसको अपन अलग से देखेंगे, इन सब चीजों को अलग से देखेंगे। तो ठीक है, तो एक्सक्रीशन बाय कॉक्सल ग्लैंड, मेलपीजियन ट्यूबुल्स एंड ग्रीन ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट यदि अपन बात करें इसकी, तो एक्सक्रीशन हो गया, नेक्स्ट यदि हम बात करें रेस्पायरेशन, तो यदि रेस्पायरेशन देखा जाए फाइलम आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में रेस्पायरेशन देखा जाए, तो रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन बाय, रेस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, यदि हम इंसेक्टा की बात करें तो रेस्पायरेशन बाय ट्रैकी, रेस्पायरेशन बाय ट्रैकी किसमें इंसेक्टा में, इंसेक्टा में किसके द्वारा ट्रैकिया द्वारा या ट्रैकी द्वारा, बुकलंग्स, बुकलंग्स किसमें, बुकलंग्स किसमें, बुकलंग्स होते हैं एरेक्निडा में, और तीसरा यदि अपन देखें तो मेनली है गिल्स, गिल्स किसमें क्रस्टेशिया, क्योंकि क्रस्टेशिया के जो जंतु होते हैं वो जनरली एक्वाटिक होते हैं, जैसे आपको पता है हम पेलीमॉन जो प्रॉन आता है वो क्या आता है क्रस्टेशिया में, तो रेस्पायरेशन बाय ट्रैकी, रेस्पायरेशन बाय बुकलंग्स, रेस्पायरेशन बाय गिल्स, तो ट्रैकी किसमें इंसेक्टा में, बुकलंग्स किसमें एरेक्निडा में, और गिल्स किसमें, गिल्स पाए जाते हैं मेनली अपने पेलीमॉन यानी क्रस्टेशिया में। ठीक है, तो रेस्पायरेशन छठवा अपन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ये जो होते हैं बेटा इनमें मेनली अगर देखा जाए तो कुछ जंतुओं को छोड़ करके इनमें सेंसरी ऑर्गेन जो होते हैं वो एंटीना पाए जाते हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं एंटीना पाए जाते हैं, एंटीना प्रेजेंट, एंटीना प्रेजेंट, एंटीना आपको पता है एंटीना जो है वो सेंसरी ऑर्गेन है, क्या है इसके सेंसरी ऑर्गेन है। ठीक है, जो सेंसेशन का काम करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट जो होते हैं मेनली अगर देखा जाए तो ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं,
लेकिन अपन इसको एक्सक्रीशन को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि कुछ जंतु जो है वो अमोनिया त्यागते हैं, ठीक है, कुछ यूरिया त्यागते हैं, इसलिए अपन इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये वही ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक अपन बता चुके हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक किन्हें कहते हैं, जिसमें तीन लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तीन लेयर पाई जाती हैं, एक्टो, मीजो और एंडो, उनको कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या कहा जाता है उनको, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, जिनमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती हैं। ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब होता है इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, हम इनको एक प्लेन से दो भागों में बांट सकते हैं। तो इनमें क्या पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट यदि देखें तो इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और इनमें जो ब्लड है वो किसके अंदर बहता है, इनमें ब्लड जो है वो साइनसेस में रहता है, इसमें साइनस होते हैं, तो इनमें क्या होता है, साइनसेस में ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें इसका 10वां पॉइंट, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण 10वां पॉइंट है कि इनमें जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, इसमें पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं। ब्लड इज कलरलेस, ब्लड इस क्या होता है, कलरलेस होता है, यानी इसके ब्लड में क्या होता है, पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं। किसमें, फाइलम आर्थ्रोपोडा के जंतुओं का जो ब्लड होता है उसमें पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं, ये इसका मेन करेक्टर है, ठीक है। अब हम इसके ब्लड को अगर देखा जाए तो हम इसको हीमोलिम्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके ब्लड को भी हम क्या कहते हैं, मेनली हीमोलिम्फ कहा जाता है, इसके ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम 12वीं पॉइंट की बात करें तो ये जो होता है, ये जो है इसका, इसमें अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो उसमें लार्वा बनता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट कैसा होता है इनमें, हम इसको मिटा लेते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है, कुछ क्लास में डायरेक्ट होता है, कुछ क्लास में इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों प्रकार का होता है। जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें इनमें लार्वा बनते हैं, इसमें कुछ तरह के लार्वा बनते हैं, किसमें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के दौरान इसमें क्या बन जाते हैं, कुछ लार्वा बनते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, इनमें क्या होती, माउल्टिंग भी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, माउल्टिंग पाई जाती है, जिसको त्वक पतन कहते हैं, इसमें त्वचा जो है वो गिरने लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, माउल्टिंग पाई जाती है, ठीक है। अब अगर और देखना चाहे तो अपन देख सकते हैं, बाकी सफिशियंट है इतना, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन हम बाद में देखते हैं। यदि आपको वीडियो समझ आए हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।